हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोज़ाना 10 मिनट इसे चेहरे पे लगा लो। चेहरा इतना गोरा और टाइट दिखेगा कि पार्लर जाना भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी चेहरे से पूरी तरह से ग्लो खत्म हो चुकी है, दाग धब्बे रहते हैं चेहरे पे, पिंपल्स रहते हैं, उसके बाद आंखों के नीचे काले घेरे हो चुके हैं, आपको झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, चेहरा काला पड़ चुका है, तो प्लीज़ वैसे लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे के सारे पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि बॉडी उपटन जो कि दालों से बना होता है, चने की दाल, मूंग की दाल, बेसन, चंदन, हल्दी, है ना, सभी जड़ी बूटियाँ होती हैं। उसके बाद दही यूज़ करने वाला हूँ, पानी यूज़ करने वाला हूँ उपटन को मिक्स करने के लिए, पाउडर की फॉर्म में होता है। उसके बाद शहद यूज़ करने वाला हूँ, बादाम का प्योर तेल यूज़ करने वाला हूँ, एलोवेरा जेल यूज़ करने वाला हूँ, ये फोम यूज़ करने वाला हूँ हर्बल, ये भी पतंजलि की है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन होता है और विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, जो कि आपके चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, किसी भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन को दूर करता है, चेहरे में ज़बरदस्त गोरापन लाता है, ग्लोई ग्लोई चेहरा बनाता है, पिंपल्स को हटाता है, दाग धब्बे दूर करता है, जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो भी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, काफ़ी छोटी वीडियो रहने वाली है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटे को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इस मिक्सचर को। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक चम्मच उपटन ले लिया है। उपटन का पाउडर इस कलर का होता है, इस तरह से दिखता है, आप इसको लेकर आएँ, सिर्फ आपको एक चम्मच लेना है। अब इसके बीच में मैं दही मिला रहा हूँ, ये भी एक टेबल स्पून यानी कि छोटा चम्मच। ये दही खट्टा है थोड़ा, क्योंकि इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा है, आपको भी खट्टा दही ही लेना है। उसके बाद में एक चम्मच इसके बीच में थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं लगे। ये मेरा चम्मच ख़राब हो गया, मुझे दूसरा चम्मच लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं शहद भी ले लेता हूँ 1 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें आपके चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं, इवन आपको आयुर्वेद की अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी, सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाती हैं कि आपको यही यही चेहरे पे लगाना चाहिए। दोस्तों, इससे अच्छा आपके लिए, बॉडी के लिए, आपके फेस के लिए, इवन आप इसको बॉडी पे लगा सकते हैं जिनको कालापन हो चुका है। तो ये मैं बादाम का तेल डाल रहा हूँ, लगभग आधा चम्मच। उसके बाद में इसके बीच में थोड़ी सी एलोवेरा जेल डालने वाला हूँ, थोड़ी सी आपको डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। एलोवेरा जेल भी काफ़ी अच्छी होती है आपके स्किन के लिए। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्टिवेटेड कार्बन की ये फेस फोम, ये काफ़ी अच्छी होती है आपके चेहरे को कालापन दूर करने के लिए। तो इसको ऐसे आपको डालना है, थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ, मैंने ये कैमरा हाथ में पकड़ा तभी अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये भी मैंने ले ली। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आपका कुछ मिक्सचर बन जाएगा। आपको अपने चेहरे पे इसको रात को सोते समय 10 मिनट लगा के रखना है, उसके बाद किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लेना है। काफ़ी ज़बरदस्त होता है, चेहरे पे ग्लो काफ़ी ज़्यादा लाता है, कालापन दूर करता है, आँखों के नीचे जिनको काले घेरे हो गए उसको भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।